मनवीर परमात्मा नु भी नोही मंजूर हुंदा है जो असी चाहने हैं। कुछ नहीं होन देवांगी मैं तेरे डैडी जी नू, ते ना ही कुछ होन देवांगी तेरे डैड दे एनजीओ नू। सच्ची कहा ना, तू बेफिक्र रह। पर तू ये सब करेंगी कि मैं? मनवीर वो सब कुछ तो मेरे ते छाड़ दे। लगता है नैना माँ का मौन व्रत खोलन का समा आ गया। कल नैना माँ बोलेगी ते सब नैना माँ नू ही सुनेंगे। पंजाब न्यूज़ की खास पेशकश विच तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुसी देख रहे हो, असी मां नैना दे डेरे तो लाइव हाँ। तुसी सारे जानते हो कि मां नैना ने कुछ समय तो मौन वर्त धारण किया होया सी। डेरे तो यह खबर मिली है कि मां नैना अज अपना मौन वर्त तोड़न जा रहे ने ते कोई वड्डा बयान देन जा रहे ने। हुणे बयान की होएगा, इनू सुनण लई जुड़े रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੋ, मैं थोड़े सारयां दा हाथ जोड़ के धन्नवाद करदी हाँ। तुसी सारयां ने मेरा इस मौन व्रत विच बहुत साथ दिता, पर सच दसा मैं मौन व्रत हजे खोलना नहीं सी, पर मेरे एक भगत नूं मेरी बड़ी ज़्यादा लोड़ है। वो इस वेले बहुत दुखी है क्योंकि उहदे परिवार दे नाल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसलिए मैनू उपरों हुक्म आया कि जो कुछ भी तेरे भगत दे नाल गलत हो रहा है ना, मैं उन्हें ठीक कर सका। मां नैना दी जय, मां नैना दी जय, मां नैना दी जय, मां नैना दी जय। जी हाँ, मैं गल कर रही हूँ साढ़े डेरे दे परम भगत मनवीर सिंह भुल्लर दी, जिन्हां दे चाचा जी हरपाल सिंह भुल्लर जी दे एनजीओ ते जो कि कन्या विकास संस्था है उहदे उत्ते इह इल्जाम लग्या है कि उन्होंने सरकारी ग्रांट विच कोई हेराफेरी कीती है, जिहदे कारण साडे होम मिनिस्टर सतनाम सिंह जी भुल्लर उत्ते भी बहुत ज़्यादा सवाल चुके जा रहे हैं। जबकि मैं थोनों ये दस दिया कि सरकारी ग्रांट विच किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं हुई। जी हाँ, मैं इस गल की आप गवाही भर दी हाँ, तो असी थानू सारयां नू ये दस दिए कि हरपाल सिंह जी की एनजीओ ते साडा डेरा मिलके बहुत टाइम तो लोकां दे विकास लई काम कर रहे हैं। मैं थानू ये दस देवां कि हरपाल सिंह जी के एनजीओ वल्लों जिहड़े जिहड़े बंदयां नू पैसे दिते गए ने वो साडे ही डेरे के साधक ते प्रबंधक ने, ते एनजीओ वल्लों मिलिया होया पैसा ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਆਂਗੇ।